नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमारी बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है उनके जो पार्ट्स हैं वे कौन कौन से हैं जो अंडर वारंटी होते हैं और कौन कौन से नहीं हैं जो अंडर वारंटी नहीं माने जाते। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, जैसे कि कई दोस्तों के पास के कॉल आते हैं मेरे पास कि भाई चार्जर है, वायर है, डिस्क ब्रेक है, लाइट, हॉर्न या पीछे जो इंडिकेटर होते हैं, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई किन किन चीज़ों की गारंटी होती है और किन किन चीज़ों की गारंटी नहीं होती है। तो आज इसी को, आप लोगों के जो मन में जो शंका है उसको दूर करते हुए इसी पे वीडियो में लेके आया हूँ, ताकि जो मेरे दिव्यांग साथी हैं उनको ये पता लग जाए कि भाई कौन सी चीज़ें हैं इसमें जो भाई एक साल के अंदर अंदर रिप्लेस की जा सकती है और कौन सी चीज़ें हैं जो रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा मैं आपको ये सब बातें बताते रहता हूँ जो बैटरी वाली रिक्शा है उसकी रिपेयर करने के, उनके पार्ट्स के बारे में, उनको किस तरीके से चलाना चाहिए, किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए, सभी बातें मैं इस चैनल के द्वारा आपको बताता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के पार्ट के बारे में। तो पहला हमारा पार्ट आता है मोटर। जी हाँ दोस्तों, जो राइट साइड में हमारी जो मोटर होती है उसकी एक साल की वारंटी होती है। अगर उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है या वो काम करना बंद कर दे या कोई ऐसी चीज़ कोई छोटी मोटी उसके अंदर ऐसी फॉल्ट आ जाए तो उसको ना खुलवाए और वो एक साल के अंदर अंदर अलीमको आसरा सेंटर सोनीपत हरियाणा में एक साल के उसमें आप उसको बदलवा सकते हैं। दूसरा पार्ट आता हमारा चार्जर। हाँ दोस्तों, चार्जर भी हमारा एक साल की वारंटी के अंदर ही रहता है। उसको भी अगर कोई खराबी इसके अंदर आ जाए तो उसको भी हम दोबारा किसी मिस्त्री से न खुलवा के एक साल के अंदर अंदर उसको हम दोबारा बदलवा सकते हैं और पुराने की जगह हम नया ले सकते हैं। तीसरा पार्ट आता है दोस्तों हमारा कंट्रोलर। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोलर जो कि हमारा जहाँ पे हम बैठते हैं हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे उड़क से एक छोटा सा डिब्बा होता है, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको भी हम एक साल के अंदर अंदर बगैर किसी अमाउंट पे किए अलीमको आसरा सेंटर सोनीपत हरियाणा में आके बदलवा सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बदल के दिया जाएगा। चौथा पार्ट आता है हमारी बैटरी। बैटरी हमारे जो ट्राईसाइकिल उसका एक मुख्य पार्ट होता है, क्योंकि इसी के पावर बैकअप से हमारी जो पूरी ट्राईसाइकिल है वो चलती है। अगर इसके अंदर कोई कमी आ जाए या फिर ये बैटरी बैकअप कम देने लगे या बैटरी जल जाए या फूल जाए तो दोस्तों इसको भी हम एक साल के अंदर अंदर नहीं बदलवा सकते हैं। अब अगला पार्ट हमारा है एक्सीलेटर। जी हाँ दोस्तों, एक्सीलेटर जो हम रेस वगैरह जब देते हैं वो मुट्ठी होती है जिसको हम बोलते हैं, अगर उसके अंदर वो काम ना करे या तार कट जाए, कोई भी फॉल्ट उसके अंदर आ जाए तो दोस्तों उसको भी हम एक साल के अंदर अंदर रिप्लेस करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पांच पार्ट्स हो गए, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी और एक्सीलेटर। ये पांच पार्ट्स हमारे जो कंपनी की तरफ से
पूरे एक साल के लिए बदल कर दिए जा सकते हैं। इससे आपको एक साल के अंदर अंदर कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आती है हमारी केबलें, जिसमें हमारी पावर केबल, बैटरी केबल और जो नीचे जो जाती है इसमें इंडिकेटर और उसमें मेन केबल, इसको मेन पावर केबल बोलते हैं। ये भी एक साल के अंदर अंदर अगर इनके अंदर भी कोई फॉल्ट आ जाता है, जल जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो दोस्तों इसको भी हम एक साल के अंदर अंदर रिप्लेस करा सकते हैं। इसको चेंज कराने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप अलिम्को आसरा सेंटर पे आए और इसकी कंप्लेंट के बारे में बताएं कि हमारे ये ख़राब हो गया है, आप इसको बदलें। अपने डॉक्यूमेंट दें, जो हमने बैटरी वाली ट्राईसाइकिल ली थी उस टाइम जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट हमें आधार कार्ड और मेडिकल प्रोवाइड कराएं, और आपका जो पार्ट्स है जो वारंटी के अंदर है उसको हम निकाल के नया आपको लगा के देंगे। तो दोस्तों बहुत से दोस्तों की ये बात होती है कि कौन से पार्ट्स जो बदले जा सकते हैं, कौन से नहीं बदले जा सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया है, जिप्स भी बाइक की अगर कोई शंका है फिर भी वो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे बात कर सकता है। और दोस्तों इस वीडियो के उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, और इसमें कोई भी अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप पूछना चाहते हैं, तो कॉल करके या फिर कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें कि भी इस चीज़ के बारे में आप हमें ये बताएं। तो दोस्तों उस को लेकर मैं ये या तो वीडियो या उसका कोई आंसर आपको ज़रूर दूंगा। कोशिश होगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में हर चीज़ के बारे में बताता रहूं, ताकि आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो और ऐसा कोई क्वेश्चन किसी और को भी पता उनके दिमाग में भी आए तो वो भी वीडियो के माध्यम से इसको जान सके। तो इसी के साथ दोस्तों अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।